ना पेन थ्री इंटू ऑल को पेन थ्री इंटू ओन में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर बेस्ट ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, एक अपने पास बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा, केवल अपने पास जो है अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास कीटोन में, मतलब ये अपने पास दिया हुआ है पेन थ्री इन, दिस इज वन टू थ्री, वन टू थ्री कर ले पेन थ्री इन और टू ऑल ये है, तो ये अपने पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड वही रहेगा और इस तरीके से कीटोन में। इसके लिए वही जो शुरुआत में मैंने जो रिएजेंट्स बताए थे पीसीसी है पीडीसी है, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, आप इनफैक्ट इसमें MnO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सा कंपाउंड का डिहाइड्रेशन इजीली किया जा सकता है, टर्शियरी, अभी मैंने बताया था CO बॉन्ड अगर स्प्लिट होता है अल्कोहल के रिएक्शंस में तो टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डिहाइड्रेशन के अल्कोहल के दौरान इनिशिएशन स्टेप है प्रोटोनेशन, पहले स्टेप में ये जो अल्कोहल है अगर कोई हम यहां पर ये जैसे लेना चाहें तो पहला स्टेप पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से प्रोटोनेट होगा एंड देन अपने पास रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अपने पास यहां पर टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ठीक है और उसका अपने पास यहाँ पे अपॉन ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से पहले रिएक्शन करवाना है इन कंपाउंड्स का और उसके बाद में ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज ना करे, ब्रोमीन वाटर को वो डीक्लोराइज ना करे इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे सेकेंड ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है ये इस हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव यहां से विड्रॉ करेगा और ब्रोमीन ये निकल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा अपने पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ये आ गया फिर ये आ गया अपने पास इस तरीके से, तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो चूंकि ये अनसैचुरेशन है तो ये सैचुरेट हो जाएगा और ब्रोमीन जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। वैसे ही थर्ड ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड ऑप्शन में भी ये जो अपने पास यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये ब्रोमीन है तो यहां से H पॉजिटिव ये निकालेगा और ये अपने पास यहां पर इसको भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये कन्वर्ट करेगा इस तरीके से, तो ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। और फोर्थ ऑप्शन में भी सेम प्रॉब्लम है, यहां पर ये जो अपने पास CO
ये जो अपने पास है यहाँ पर CO और ये जो Br और यहाँ पर भी CH3 का एक हाइड्रोजन को ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है वो डीप्रोटोनेट करेगा और इसमें भी अनसैचुरेशन मिलेगा इस तरीके से. जबकि जो पहला ऑप्शन है उसमें कोई भी अपने पास यहाँ पर डीप्रोटोनेशन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है. और चूंकि डीप्रोटोनेशन की संभावना नहीं है तो ये अपने पास यहाँ पर ये जो डायरेक्ट ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर है CH2, ठीक है. तो ये जो अपने पास सोडियम और OCCH3 होल प्राइस ये NaBr निकल जाएगा एंड वी डोंट गेट अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट और इस वजह से ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा. सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे K2CO3 के साथ में K2CO3 केवल अल्कलाइन मीडिया है और CH3I का एक इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑप्शन ही देना चाहिए इसको. वैसे K2CO3 इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर पाए. मतलब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे वो ये है कि ये अपने पास निगेटिव और पॉजिटिव और ये आगे अपने पास बाकी एक दो और ये अपने पास OH और ये जो है CH3I के साथ में रिएक्ट करके ये अपने पास ईथर बना ले. तो ये ईथर वाला प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर दो केसेस में दिया है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में उसने अनसैचुरेशन भी क्रिएट किया है. तो अनसैचुरेशन क्रिएट करने के लिए अपने को यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये कर सकता था. कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता तो यहाँ पर ये अपने पास काम हो सकता था लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है इसलिए फोर्थ ऑप्शन मिलने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है. और फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एक दो और तीन ओ नेगेटिव OH नेगेटिव का रिमूवल उसके लिए भी H पॉजिटिव चाहिए पड़ता. बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट पे ही जाइए आप इसमें, है ना. नेक्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट किया एंड देन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में. तो सोडियम फिनेट का ये जो रिएक्शन है अपने पास कोल्ब श्मिट रिएक्शन और उसके बाद H पॉजिटिव के प्रेजेंस में वापस अपने पास आ जाएगा सोडियम फिनेट. मतलब ये अपने पास यहाँ O नेगेटिव और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट और ये आ गया अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया CO नेगेटिव और ये अपने पास यहाँ पर H और ये अपने पास O नेगेटिव. बाकी ये इस तरीके से और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से निकला और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये आ जाएगा अपने पास OH और COOH और फिर आगे अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा CH3CO, O, CO, CH3,
So this is the removal of acetic acid and we get OCOCH3 and this is COOH. ठीक है, so correct answer है अपने पास यहाँ पर acetyl salicylic acid या फिर aspirin का बनना, that is the first option. ठीक है.